इस वर्ष सोयाबीन के भावों ने किसानों को मायूस किया है। जहां बुआई के समय सोयाबीन के भाव 10,000 रुपए प्रति क्विंटल थे, वहीं अब भाव आधे रह गए हैं। ऐसे में पहले ही कम उत्पादन और भाव भी आधे होने से किसानों को मेहनत भी नहीं मिल पा रही है। इस वर्ष रबी बुआई के समय सोयाबीन के भाव दोगुने हो गए थे, जो 10,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे। दो वर्ष पहले सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी, ऐसे में किसानों के पास बीज नहीं था। इसे देखते हुए किसानों ने 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव का बीज खरीद कर बुआई की थी। वहीं इस वर्ष भी अतिवृष्टि के कारण फसलें खराब हो गई थी, वहीं उत्पादन काफी कम हुआ है। इसके साथ ही भावों में भी काफी कमी हो गई है। अभी सोयाबीन के भाव औसत 5,000 रुपए प्रति क्विंटल ही मिल रहे हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो गया है। अभी मंडियों में खरीफ की फसल पक कर पहुंचने लगी है, हालांकि किसान वर्ग अभी रबी तैयारियों में लगा हुआ है। ऐसे में काफी किसान मंडियों में नहीं जा पा रहे हैं, वहीं भाव भी कम बोले जा रहे हैं। प्रतापगढ़ मंडी में अभी सोयाबीन के भाव 4,500 से 5,500 रुपए प्रति क्विंटल तक ही बोले गए हैं, जबकि छोटी सादड़ी मंडी में यह भाव 3,000 से 5,500 रुपए प्रति क्विंटल ही बोले जा रहे हैं। तो यानी कि जिस हिसाब से किसानों को अभी सोयाबीन के भाव मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि किसानों को उनकी मेहनत नहीं मिल पा रही है। जो सोयाबीन है किसानों की अधिकतर MSP से नीचे ही बिकती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।